गाइस, मेरा नाम है रामसेक और आप देख रहे हो टेक ओरिएंट। आज हम ये लैपटॉप में देख सकते हो, ये है लेनोवो का लैपटॉप और इसमें रैम कैसे लगाते हैं और एसएसडी कैसे प्रेस करते हैं इसमें, यानी इंस्टॉल करते हैं। स्क्रू ड्राइवर का सीट अभी आपके पास है तो आप लैपटॉप में चाहे रैम इंस्टॉल करना हो, चाहे आप एसएसडी इंस्टॉल करना हो, आपको अब सभी काम बस इसके थ्रू आप कर सकते हो। अभी आपको ये लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, तो चलिए देखते हैं इसमें हम किस प्रकार से रैम और एसएसडी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर रैम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रूशियल का है 4GB DDR4। इसमें स्पीड अभी का देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2400 Hz का स्पीड इसमें है। तो मैं इसे अभी लगाता हूँ इस लैपटॉप में। अब पलटने के बाद आप देख सकते हो यहाँ ये सारे नट्स जो है खोलना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर सारे ये नट्स जो है खोल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे नट्स है, तो ये सारे मैंने यहाँ पर सारे नट्स निकाल लिया है। और कुछ कुछ लैपटॉप में होता है क्या कि कहीं एक सेपरेट जगह पर खोलने के लिए रहेगा रैम लगाने के लिए। और अब ये सारे नट्स खोलने के बाद सीडी का, तो आप सबसे पहले इसे निकाल लेंगे। ये निकालने के लिए सबसे पहले ये सिंपल कीजिए, निकल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे जो नट ये सीधे यहाँ पर लगता है, तो ये नट जब खोल देंगे तो ये डायरेक्टली निकल जाएगा। और ये है यहाँ पर एसएसडी लगाने का, तो इसमें बिठा करके आप एसएसडी भी लगा सकते हो। उसके बाद ये निकाल देने के बाद आप सिंपली कोई टूल के मदद से, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे लैपटॉप को रखेंगे और एक टूल के मदद से यहाँ पर आपको एक स्क्रेच करना पड़ेगा। मैं अभी इसे यूज़ करने के लिए मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। तो आप सीधा यहाँ पर हल्का सा लगाएंगे प्रेशर और आप देख सकते हो। अब ये हल्का सा निकाल लेने के बाद आप इधर हल्का सा ये पलटेंगे ऐसे, और ऐसे पलटने के बाद यहाँ से आप देखिए हल्का सा नाखून से यूज़ करेंगे तो ये फटाफट यहाँ से आपका निकल जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से हल्का हल्का मैं भी इसका यूज़ किया और हल्का हल्का यहाँ पर आप इसका यूज़ करके, यहाँ पर कुछ लगा नहीं है, लॉक लगा हुआ है, और इससे मैं हल्का हल्का ये किया तो ये यहाँ पर देखिए खुल गया। अब ये खुलने के बाद आप ऐसे रख देंगे, रखने के बाद ये देख सकते हैं आराम से निकल जाएगा। ये देखो भाई, तो ये निकल गया। मैं इसे साइड में रख देता हूँ अभी। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर रैम लगाने वाला हूँ। रैम लगाने के लिए मैं सबसे पहले इसे निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये है 4GB का रैम, यहाँ पर लिख रखा है 4GB DDR4। यहाँ पर इसका रैम लगाने का स्लॉट दे रखा है, तो यदि आप इसको लेना चाहें रैम को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लगाने के लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एक थोड़ा सा खाँचा लगा हुआ है, यहाँ पर खाँचा लगा हुआ है और इसमें भी एक खाँचा है, देख सकते हो। तो इसे लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है। पहले यहाँ पर इसे ये ऐसे डालेंगे, आप आराम से दब गया और इसे दबा देंगे, लग जाएगा। देखिए ये यहाँ पर रहता है, ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो यहाँ पर मेरा रैम लग गया, दबा करके हल्का सा जब घुस जाएगा अंदर तो नीचे आपको दबा देनी है, प्रेस कर देनी है, तो ये फिट हो जाएगा अच्छे से। अब अच्छे से फिट हो गया। तो ये है 4GB का और 4GB इसमें इनबिल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे लैपटॉप में अभी 8GB हो गया। तो ये रहा हार्ड डिस्क, मैं इसके जगह पर लगाने वाला हूँ ये किंगस्टन का। तो इसको अब अनप्लग करने के लिए आपको यहाँ पर भी स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू नहीं है ये, हम्म,
ये दो ये स्क्रू है, ये दोनों मैंने निकाल दिया। अब उसके बाद ये आपको अनप्लग करना पड़ेगा। तो आराम से इसको अनप्लग करते हैं हम, बस ऐसे कर देना आपको, और ये आराम से इधर खींच लेना है। तो ये निकल गया। अब ये रहा हार्ड डिस्क जो कि 1 TB का है, ये रहा मेरा SSD, पूरा हल्का है। तो मैं करने वाला हूँ क्या, देखो इसको सबसे पहले ये आपको निकालना पड़ेगा और इधर डालना पड़ेगा, उसके बाद इधर घुसा देने का। मैं इसे सबसे पहले खोल लेता हूँ, ये दोनों स्क्रू और इधर, उसके बाद ही निकलेगा ये। तो ये चार निकल गया। अब उसके बाद इसको आराम से, अब इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, आस्ते आस्ते ऐसे। मैं इसको पहली बार ना खोल रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो फिर हम इसको ऐसा खोलते मतलब 1 मिनट में खोल देते तुरंत और लगा भी देते सर। लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसीलिए थोड़ा आराम से खोल रहा हूँ। खुल जा दोस्त, खुल जा खुल जा खुल जा। तो ये रहा हार्ड डिस्क, इसका कवर गजब। मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ ऐसा। चलिए फिर भी अच्छा लग रहा है देखने में। मैं पता है आपको 20 से किया हुआ, 20 से एक बार पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि इंडिया में जॉब ज़्यादा नहीं मिलता ना, इसीलिए मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अब इसको ऐसे निकल जा दोस्त। खुल गया। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा खुल जा। हाँ खुल गया खुल गया खुल गया मेरे दोस्त, खुल गया। हाँ ये मेरा खुल गया, ये रहा हार्ड डिस्क। इसको अभी कैडी में लगा देने का, इधर रख लिया। अब यहाँ पर सेटअप करता हूँ मैं SSD को। तो SSD को सेटअप करना है कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ लगा देनी है ऐसे, है ना। ये देखो बहुत आसानी से आपको लग जाएगा, ये ऐसे लगा देने का, है ना। ये देखिए लग गया। अब लग जाने के बाद करना आपको क्या है कि इधर इसको बैठा देने का ऐसे ही था क्या दोस्त, तुम भी ऐसा कर रहे हो। बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या बताओ। बैठ गया। अब देख रहे हो ये स्क्रू, अब इसको लगा देता हूँ। तो दोस्त मेरे ये सारा लग गया है, चार स्क्रू। उसके बाद यहाँ पर आपको रख देना है और ये आराम से इसको लगा देना है। अब देखो दोस्त यहाँ पर ये दोनों मैंने लगा दिया। अब इसको आराम से जिस तरह था वैसे ही मैं इसको लगा देता हूँ फिर से। मैंने इसको लगा दिया, लगाने के बाद मैं इसका कवर लगा देता हूँ। इतना छोटा सा काम करने के लिए यदि आप जाते हो कोई यदि शॉप जाते हो तो वहाँ पर आपको 150-200 रुपये ले सकता है चार्ज। तो यदि आप चाहे तो ये यदि आपके पास है अवेलेबल लगाने का तो आप आसानी से लगा सकते हैं।